एक समय की बात है जब कुछ दोस्त एक साथ एक कॉलेज में पढ़ते थे। दिसंबर का महीना था और काफी समय से वो लोग कहीं घूमने भी नहीं गए थे। हम लोग कितने समय से कहीं भी घूमने नहीं गए। हाँ सच में, चलो फिर इस बार पक्का कहीं चलते हैं। पर जाएंगे कहाँ? मैंने आज सुबह ही कॉलेज में कुछ पर्चे पड़े देखे थे जिसमें इस पार्टी का देखा। फिर तो हमें हमारे कॉलेज के वहाँ और भी लोग मिल जाएंगे। ये सही है, हम वहीं चलते हैं, बहुत मजा आएगा। बस फिर सब क्रिसमस की उस रात का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। दिन कैसे निकल जाते हैं कि पता भी नहीं चलता। 24 दिसंबर को चारों दोस्त एक जगह मिलते हैं और अपनी गाड़ी से उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। आज तो बहुत ही ठंड है और तुम लोगों ने कितनी देर कर दी आने में। मैंने सोचा था हम रात तक पहुंच भी जाएंगे, पर तुमने तो आने में ही अंधेरा कर दिया। पता है अब हम आधी रात में जाकर वहां पहुंच पाएंगे? कोई नहीं रीना, रात को सफर करने का अपना ही मजा है। बस फिर जतिन गाड़ी चलाता रहता है। वक्त के साथ साथ अंधेरा और ठंड दोनों ही बढ़ते जाते हैं। रास्तों में क्रिसमस की पूरी तैयारी और सजावट देखते हुए सब लोग खूब मजे करते हुए जाते हैं। धीरे धीरे रास्ते थोड़े सुनसान होने लगते हैं। वो चकाचौंध और लाइट सब बंद होने लगती है और बस अंधेरा ही अंधेरा। थोड़ा और आगे निकलने के बाद तो आसपास जंगल ही जंगल नजर आने लगता है। रीना की तो डर के मारे हालत खराब होने लगती है और बाकी सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी सुनसान जंगल वाली जगह में क्रिसमस पार्टी कौन रखता है। कुछ ही देर बाद उनको एक जगह से म्यूजिक की आवाज आने लगती है और कुछ रोशनी भी दिखाई देती है। वो लोग वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो वही जगह है जहां उनको आना था। वहां पर अच्छी खासी क्रिसमस की सजावट होती है, पर अजीब बात कि वहां उनके अलावा कोई भी नहीं होता। देखा, यहां तो कोई भी नहीं है, लगता है ये कोई फालतू सा मजाक है। मैं अभी भी बोल रही हूँ कि चलो यहाँ से। अरे यार रीना, तुम चुप करो, जब से बस चलो चलो की रट लगाई हुई हो। चलो पहले अंदर चलकर देखते हैं, क्या पता सब अंदर हो। सब लोग अंदर जाते हैं तो वहां बाहर से भी ज्यादा सुंदर सजावट होती है। इतनी सुंदर क्रिसमस की सजावट तो कभी किसी ने नहीं देखी होती, पर वहां बस सेंटा क्लॉस एक रॉकिंग चेयर पर बैठा हुआ होता है। उनके अलावा वहां कोई भी नहीं होता। आ गए तुम लोग, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। हमारा इंतजार? आपको कैसे पता कि हम आने वाले हैं? मैंने ही तो इनविटेशन भेजा था तुम्हारे कॉलेज में, जो कि सबसे पहले तुमने देखा। ये आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। यहाँ कोई और क्यों नहीं है? यहाँ तो और लोग भी होने चाहिए ना। और आप कौन हो? यहाँ अकेले सुनसान जगह में क्या कर रहे हो? दिखता नहीं, मैं सेंटा क्लॉस हूँ। तुमको इतना भी नहीं पता क्यों? हमें डर लग रहा है, हमें घर जाना है। वापस? यहाँ से वापस कोई नहीं जा सकता। ये क्या बकवास है? कौन हो तुम? सच सच बताओ, दिखाओ अपना चेहरा। मेरा चेहरा देखना है तुमको? सच में? क्या तुम देख पाओगे मेरा चेहरा? ठीक है, तो अभी दिखा देता हूँ। सेंटा क्लॉस अपना मास्क जैसे ही हटाता है वैसे ही सब के सब घबरा जाते हैं। रीना के मुंह से तो चीख निकल पड़ती है, आ भूत भागो। कहा था ना नहीं देख पाओगे, पर तुम बच्चे भी ना जिद्दी बहुत होते हो। अब देखा, डर गई ना मेरी प्यारी बच्ची। सब लोग वहां से भागने लगते हैं कि अचानक सारे खिड़की दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। सब बुरी तरह रोने और चिल्लाने लगते हैं। सब वहां से बाहर जाने की भीख मांगने लगते हैं, पर वो भूतिया सेंटा बस उनकी हालत को देखकर खुश होता रहता है और जोर जोर से हंसता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो अपनी जान कैसे बचा।
सब लोग भागने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी वो भूतिया सेंटा उनके सामने आ खड़ा होता है। बोला था ना कि नहीं जा सकते यहाँ से, और कोशिश भी मत करना। अब बताओ किसको मारूं मैं? तुम चारों में सबसे पहले बताओ, बताओ मुझे, बताओ, बताओ मुझे। हमसे गलती हो गई, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें मत मारो प्लीज। चलो फिर तुम सब मेरे लिए इस ट्री को सुंदर सा सजाओ। अगर ये सुंदर नहीं हुआ ना, तो तुम सबको मैं मारने में एक बार भी नहीं सोचूंगा। बस फिर चारों दोस्त घर के बीचों बीच खड़े ट्री को सजाने में लग जाते हैं। सब बहुत बुरी तरह कांप रहे होते हैं, पर वहां से भागने के बारे में ही सोच रहे होते हैं। भूतिया सेंटा अपनी कुर्सी पर बैठकर आगे पीछे झूल रहा होता है। उसके डर की वजह से चुपचाप सब अपने काम में लगे रहते हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वरना तुम्हारी उंगलियां काट कर इसी पेड़ पर लटका दूंगा, समझे? नहीं नहीं, हम बस कर रहे हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी काम करो, हमें अंधेरा होने से पहले अपना काम खत्म करना है। हाँ, शाबाश मेरे बच्चे। वो लोग जल्दी से जल्दी उस ट्री को सुंदर सा सजा देते हैं। अब उनको लगता है कि शायद वो भूतिया सेंटा उनको वहां से जाने देगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। भूतिया सेंटा अब उन लोगों से नाचने को कहता है। डर के मारे बेचारे नाचने को भी तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जब वो नाच नाच कर थक जाते हैं, तो भूतिया सेंटा उनके लिए टेबल पर जादू से खाना लगाता है। सारा खाना ढका हुआ होता है। सब लोग अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। सबसे पहले सिया अपने सामने रखी प्लेट के ऊपर से ढक्कन हटाती है, तो उसके सामने उसी का कटा हुआ सर रखा हुआ देख वो चीख पड़ती है। शोर नहीं, खाते वक्त शोर नहीं करते। चलो चुपचाप सब अपना अपना खाना खाओ, चलो तुम लोग भी शुरू करो। सब लोग भूतिया सेंटा के आगे घर जाने के लिए गिड़गिड़ाने लगते हैं, और उनकी ऐसी हालत देख भूतिया सेंटा और खुश होता है। आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी गलती क्या है? हमको क्यों चुना तुमने मारने के लिए? तुमने क्यों चुना था फिर मुझे मारने के लिए? बताओ बताओ मुझे क्यों मारा तुम सबने? हमने तुमको मारा था? ये क्या बोल रहे हो, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी की जान लेकर तुम्हें याद भी नहीं रहता? याद करो पिछले साल की कॉलेज की क्रिसमस पार्टी, जब तुम लोग अपनी मस्ती में इतना खो गए कि तुम्हें याद भी नहीं कि तुमने अपनी गाड़ी से किसी को कुचल दिया। इतना कहकर वहां से वो भूतिया सेंटा गायब हो जाता है। हमें कुछ करना होगा दोस्तों, वरना हम सब मारे जाएंगे। हमसे उस दिन बहुत बड़ी गलती हुई है, हमने अपने मजे के चक्कर में किसी मासूम की जान ले ली। मेरे पास एक तरीका है, इस घर की हर खिड़की दरवाजे पर जादू है जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते, पर जो ये क्रिसमस ट्री छत से बाहर निकल रहा है, इस पर चढ़कर हम बाहर निकल सकते हैं। बस फिर सब एक एक करके उस पेड़ पर चढ़कर छत के रास्ते उस घर के बाहर आ जाते हैं। वो जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वो अपनी गाड़ी को कहीं नहीं रोकते और बस सीधा सीधा चर्च में जाते हैं और वहां फादर को सारी बात बताते हैं। सभी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं और उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। फादर सबको एक एक क्रॉस पहनने को देते हैं। उसे पहनकर सब उसी जगह जाते हैं और जैसा फादर ने बताया होता है वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं। जैसे ही भूतिया सेंटा उनके सामने आता है और उनको मारने लगता है, वैसे ही राहुल अपनी जेब से हॉली वाटर निकाल कर उस भूतिया सेंटा क्लॉस पर डाल देता है। हमें माफ करना, हमने जो एक साल पहले किया वो तो हम नहीं बदल सकते, पर हम शर्मिंदा हैं और बस तुम्हें मुक्ति देना चाहते हैं। पल भर में भूतिया सेंटा गायब हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद सब वापस घर आ जाते हैं। सारी दुनिया क्रिसमस मना रही होती है, पर वो सब अकेले शांत बैठे होते हैं। हर साल उस घटना को याद करते और जीसस से माफी मांगते हैं।